नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। भाजपा सरकार में पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय जी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनके निधन की सूचना बसपा कार्यकर्ताओं को मिलते ही बसपाइयों में दौड़ी शोक की लहर। उनका पार्थिव शरीर हाथरस के बामौली उनके पैतृक गाँव लाया गया, जहाँ उनको मुखाग्नि दी गयी। पंचतत्व में विलीन हुए रामवीर उपाध्याय जनपद हाथरस में उनके अंतिम दर्शन करने को उमड़ा जनसमूह। जनपद मथुरा, आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में बहुजन समाज पार्टी में हमारे पूर्व ऊर्जा मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय जी, बता दें हम आज बड़ी खबर आ रही है हाथरस से कि वो हमारे बीच नहीं रहे और वो लंबे समय से बताया जा रहा है कि बीमार चल रहे थे और उनका निधन हो चुका है। और वहीं बसपा कार्यकर्ताओं में जब ये सूचना मिली तो उनमें शोक की लहर दौड़ गई और समस्त राजनीतिक दलों में भी शोक की लहर है। तो वहीं बसपाइयों में एक आनंद फानंद में वहां हाथरस की ओर को लिए कार्यकर्तागढ़ बसपा के रवाना और रामवीर उपाध्याय का पार्थिव शरीर हाथरस के उनके पैतृक गाँव बामौली लाया गया, जहां पर उनको मुखाग्नि दी गई। रामवीर उपाध्याय जी हुए पंच तत्व में विलीन। इसी के मद्देनज़र हाथरस में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र रामवीर उपाध्याय जी का पार्थिव शरीर लाया गया और वहां पर सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थकों का उनके अंतिम दर्शन करने के लिए वहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा। और वहाँ पर जो भी सैलाब नजर आ रहा था, सभी की आंखों में बस यही था कि रामवीर उपाध्याय जी के हमको अंतिम दर्शन करने दीजिए और अब रामवीर उपाध्याय जी हमारे बीच नहीं रहे। हम भी उनको आज आरपीएस समाचार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि रामवीर उपाध्याय जी जन जन के नायक थे, सभी दलों के मसीहा थे और जो है गरीब असहाय तबके के लोगों के मददगार भी थे। आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट, कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।